आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज कोई ब्लॉग नहीं है, कोई वैसी वीडियोस नहीं है। आज मैं एक अच्छे से टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो गया है। तो जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, सबको अंदर से एक उत्साह सा होता है, एक खुशी सी होती है कि हमारा बेबी गर्ल आने वाला है या बेबी बॉय आने वाला है। तो मैं तो बेबी गर्ल चाहती हूँ। एंड देख बताते हैं आपको कि सिम्टम जो होते हैं, जो हमारे अंदर जो चेंजेस आते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, उसमें हमको बेबी गर्ल और बेबी बॉयज़ में क्या क्या सिम्टम अलग अलग होते हैं। तो गाइस मेरा इसमें इस वीडियो से ये कोई मतलब नहीं है कि बॉय गर्ल जरूरी है या गर्ल्स जरूरी है, तो इससे आप बिल्कुल मत जाइएगा। बस मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हम लोग जितने खुश रहते हैं ना, उतना हमारा बेबी हेल्दी होता है एंड हैप्पीनेस पैदा होता है। ठीक है गाइस, तो मैं आपको अपना सिम्टम बताने जा रही हूँ, जो जो मुझे अनमोल के टाइम पे, यानी मेरे बेटे के टाइम पे थे, और इस टाइम पे क्या क्या है। तो फर्स्ट सिम्टम है, मैं लिख लेती हूँ ताकि मैं भूलूँ ना, याद रहेगा ना फिर बाद में। तो पहला लिखा है मैंने बॉय एंड गर्ल, तो ये मैंने लिख लिया है बॉय एंड गर्ल। तो गाइस सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो ये होता है कि जब हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते टाइम, तो हमको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग अगर हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो कहते हैं कि आपको बेबी गर्ल होती है। एंड कम परेशानी होती है, कम वॉमिटिंग आपको आती है, जैसे जी बहुत लोगों का जी ज़्यादा मचलता है और बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, किसी किसी को तो 9 मंथ तक वॉमिटिंग होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे बेटे के टाइम पर ना मुझे बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा ही वॉमिटिंग, और इस टाइम पर मुझे वॉमिटिंग ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 बार हुई है, लेकिन इतनी ख़तरनाक वाली हुई है कि मेरे को एक एक वॉमिटिंग ने 10-10 दिन का रेस्ट करवाया है। तो और मेरे मुँह से ना थूक बहुत गया है, मतलब जी मेरा सुबह से लेकर शाम तक मचलता ही रहा है जी, और थूक तो इतना गया है कि मतलब जो मेरा खाना खाने का जो इच्छा है ना, वो हमेशा होती रही है। ये नहीं रहा है कि मैंने कभी खाना नहीं खाया या उस चीज़ से मुझे नफ़रत हुई है खाने से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमेशा से मेरा हर चीज़ का खाने का मन कर रहा है। तो ये जो पॉइंट जाता है, ये जाता है गर्ल को, एंड बॉयज़ को मिलता है 0 पॉइंट, क्योंकि मुझे इस टाइम बिल्कुल भी मॉर्निंग परेशानी बिल्कुल भी नहीं हुई है, वॉमिटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं आई है। एंड सेकंड जो हमारा सिम्टम है, जो लक्षण है, वो ये है गाइस कि सब लोग बोलते हैं कि जब आपकी टमी में बेबी गर्ल होती है तो आपका मीठा खाने का बहुत मन करता है, एंड अगर बॉय होता है तो आपका चटपटा सा खाने का काफ़ी मन करता है। तो मैं सच बताऊँ, अनमोल के टाइम पे मेरा चटपटा खाने का काफ़ी मन करता था, मैंने बहुत खाया है चाउमीन वगैरह, मैगीज वगैरह, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत खाई हैं, और इस टाइम पर मेरा मीठा खाने का इतना मन करता है ना, मतलब मुझे कोई मीठी चीज़ दिख जाती है तो मैं रह नहीं पाती, 2-2 घंटे में मुझे ये चाहिए, वो मीठी चाहिए, ये चीज़ मीठी चाहिए, आइसक्रीम हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, खोवे से बनी बहुत सारी मिठाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ मैं बहुत खाना पसंद करती हूँ, यानी इस टाइम पे मैं मीठा काफ़ी खा रही हूँ। तो ये पॉइंट भी रहता है हमारी गर्ल को। अभी बॉय का खाता भी नहीं खुला है और बॉय को मिलते हैं 0 पॉइंट। तो तीसरा जो लक्षण होता है गाइस, वो ये होता है कि जब हमारे टमी में बेबी गर्ल होती है तो हमें नींद बहुत आती है, और अब बॉय कंसीव कर रहे होते हैं, बॉय होता है तो हमें नींद नहीं आती है। तो मैं आपको अपना बताऊं तो मुझे बहुत नींद आती है, और ऐसा मन करता है कि मुझे कोई बेड से उठाए ना, क्योंकि रात में मैं पूरा 9 बजे से लेकर सुबह 5:30 तक 6 बजे तक आराम से सोती हूँ, जल्दी सो जाती हूँ, फ़ोन वगैरह मैं बहुत कम यूज कर रही हूँ, और जल्दी 9 बजे सो के फिर ये होता है ना कि मुझे मतलब फुल नींद चाहिए, तो इस टाइम पे मुझे काफ़ी नींद आ रही है और मन भी करता है सोने का बहुत ज़्यादा। तो ये पॉइंट भी हमारा गर्ल हो जाता है, एंड अभी बॉय को मिलते हैं 0। तो गाइस चौथा जो हमारा लक्षण होता है, चौथा जो हमारा सिम्टम होता है, वो ये होता है कि थोड़ा आपको अजीब सा लगेगा कि जब आप बेबी गर्ल कंसीव कर रहे होते हो, आपकी टमी में जब बेबी गर्ल होता है तो आपके जो हस्बैंड का वेट है वो गेन हो जाता है, बढ़ जाता है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है,
लेकिन बोला ऐसे ही जाता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है। तो सच में तो इत्तफाक समझ लीजिए आप, चाहे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इस टाइम पे जो मेरे हस्बैंड का वेट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो खुद बोले कि मैं मोटा हो गया हूँ। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट भी हमें गर्ल को देना चाहिए। एंड गाइस, हमारा जो पांचवा सिम्टम है वो ये है कि जब हम बेबी गर्ल हमारे टमी में होता है तो हमारे जो चेहरे का जो ग्लो है वो बढ़ जाता है और हम और सुंदर दिखने लगते हैं। तो इस वाले जो पॉइंट पे, इस वाले सिम्टम पे मुझे नहीं पता कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने स्किन पे मैं तो खुद ही देखती हूँ। देखिए, हर किसी को अपना फेस सुंदर लगता है, हर किसी को। लेकिन मेरे हस्बैंड 3-4 दिन पहले ही मेरे से बोल रही थी, क्या बात है, बड़ी सुंदर लग रही हो, बड़ी मुलुक लग रही है, ऐसे करके हमारे लैंग्वेज में बोला जाता है। तो ये आप मुझे बताना कि आपको लगता है कि मेरे चेहरे पे ग्लो है कि नहीं है, और जो भी आपको लगता है वो प्लीज़ मुझे रिप्लाई ज़रूर करना कमेंट्स में। तो मुझे लगता है कि हाँ है, क्योंकि अदरवाइज इसके कि मैंने 3-4 महीने तक कोई फेस वॉश वगैरह कोई यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे उसकी जो स्मेल थी वो सूट नहीं कर रही थी। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी हमारी गर्ल्स को जाता है, बॉय को मिलती है इसमें भी 0। एंड गाइस, एक चीज़ और मैंने सुनी है सब लोगों से कि जो हमारी नाभि पे जो लाइन जाती है, मुझे नहीं पता उस लाइन को क्या बोलते हैं, जो हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारी टमी पे ना एक लाइन जाती है, अगर वो लाइन आपकी सीधी है और डार्क है तो आपका बेबी बॉय होता है, एंड थोड़ी सी हल्की है, थोड़ी सी टेढ़ी है तो बेबी गर्ल होती है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी लाइन बिल्कुल सीधी नहीं है, मेरा नीचे नाभि से ही थोड़ी सी लाइन है, थोड़ी सी ऊपर है और वो भी टेढ़ी है। तो ये पॉइंट भी गर्ल को जाता है सच में। तो ये भी पॉइंट हमारे गर्ल को जाता है और बॉय को मिलते हैं 0। एंड गाइस, एक जो चीज़ मैंने हर जगह से सुनी है, बहुत लोगों से सुनी है, कि अगर कहते हैं कि जब हमारी टमी में बेबी गर्ल होती है तो वो ना राइट साइड किक करती है, एंड लड़का होता है तो वो लेफ्ट साइड किक करता है। तो मेरी जो बेटी मेरे जो पेट में जो बेबी है, गर्ल है वो है पता नहीं, ये भगवान को ही पता है, तो वो ना राइट साइड में किक करता है और बेबी लेफ्ट साइड में। मुझे अभी तक कुछ फील नहीं हुआ है और जो भी मुझे शुरू से ही फील हो रहा है वो राइट साइड में ही फील हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी जाता है गर्ल को, अब बॉय को मिलते हैं इसमें भी 0। तो गाइस, जो लास्ट सिम्टम है वो ये है कि जब बोला जाता है कि जब आप बेबी गर्ल आपकी टमी में होती है तो आपको ना बहुत जल्दी किक सुनाई देती है, आपके पेट में मूवमेंट बहुत जल्दी करने लग जाती है, और बेबी बॉय जो होता है थोड़ा स्लो होता है तो वो थोड़ा सा 5-6 मंथ तक ही मूवमेंट करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरे को जब 3.5 महीने थे तो मुझे पहली किक तब सुनाई दी थी, और तब मुझे पूरे दिन में 2-3 बार 3-4 बार इतनी बार किक लगती थी मेरे पेट में। लेकिन फिर 4th महीने से जब मुझे 4th महीना स्टार्ट हुआ तो तब और बढ़ती गई, 5 महीने से और, अब तो मुझे इतनी किक आती है कि अब मुझे लगता है कि पूरा खेल खेलना वो अंदर ही खेलता है, जो भी है अंदर मेरे। तो कहते हैं लड़कियां जल्दी मूवमेंट करती हैं एंड बॉय देर में करते हैं, तो मेरी जो भी टमी में है वो उसने मुझे 3.5 महीने पर सबसे पहली किक मारी थी। तो ये पॉइंट भी जाता है गर्ल को एंड बॉय को, बॉय का अभी खाता भी नहीं खुला है। तो गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें जब हार्ट बीट होती है, 2nd मंथ से ही हार्ट बीट हम सुन सकते हैं अपने बेबी की, जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट है, अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो कहते हैं जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं अगर हमारी हार्ट बीट 140 से ज़्यादा होती है तो बेबी गर्ल होती है, एंड 140 से कम होती है तो बेबी बॉय होता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने जब भी अल्ट्रासाउंड कराया है तो हमेशा से 140 से ज़्यादा ही रहा है, 140 से कम बिल्कुल नहीं रहा है, 150, 160, 165 इतने तक रहा है लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी जाता है हमारी बेबी गर्ल को। एंड गाइस,
मेरे जो सारे सिम्टम है ना वो बेबी गर्ल को ही मैच कर रहे हैं। ये देखिए मैंने इधर काउंट भी कर रखा है, तो मुझे नहीं पता कि मेरी टमी में बेबी गर्ल है बेबी बॉय है, लेकिन मैं कुछ मेरी जो गट फीलिंग कहती है ना अंदर से, तो वो यही कहती है कि मेरी बेबी गर्ल होने वाली है। और बाकी भगवान की मर्जी, और वैसे भी कहते हैं ना कि आज की नारी सब पे भारी। तो ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इस वीडियो के अनुसार मैं ये बताना चाहती हूँ कि बेबी बॉय ज़्यादा ज़रूरी है बेबी गर्ल नहीं। सिर्फ मैंने अपने सिम्टम बताए हैं, अपने लक्षण बताए हैं, मुझे कैसा फील हो रहा है वो बताया है। और बाकी आप कमेंट्स में बताना कि आप मुझे देख कर, आपको देख कर, मुझे देख के क्या लगता है कि मेरी बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। ठीक है, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।